गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ इंग्लिश में हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ द बिशॉप कैंडलस्टिक्स ऑन पेज नंबर 52। द बिशॉप कैंडलस्टिक जो है ये एक प्ले है, एक नाटक है जिसको स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है। तो बिशॉप यहाँ पे किसे कहते हैं? बिशॉप कहते हैं जो क्रिश्चियन के प्रीस्ट होते हैं, जो पादरी होते हैं, उनके हेड को, जो हाई रैंक पे होते हैं उन्हें कहते हैं बिशॉप। बिशॉप ये भी एक प्रीस्ट होते हैं, पुजारी होते हैं क्रिश्चियंस के, लेकिन हेड होते हैं। कैंडलस्टिक किसे कहते हैं? कैंडलस्टिक यहाँ कहते हैं हम इनको, जिन पे कैंडल रखा जाता है उन्हें कहते हैं हम कैंडलस्टिक्स। तो इसी के बारे में ये स्टोरी है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टर्स से। कैरेक्टर्स मीन क्या होते हैं? कैरेक्टर्स जो एक प्ले में, एक नाटक में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उन्हें कहते हैं कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? नरेटर, द बिशॉप, हिज सिस्टर, जीन वॉल्जिन, अ पुलिसमैन, टू सोल्जर। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है वो है नरेटर, जो हमें कहानी सुना रहे होते हैं उन्हें कहते हैं नरेटर, और बिशॉप पुजारी, और उसकी बहन हिज सिस्टर, और जीन वाल्जिन होते हैं यहाँ पे एक क्रिमिनल होते हैं, तो और एक पुलिसमैन होते हैं, और दो सोल्जर्स होते हैं। ये सब इस प्ले का कैरेक्टर्स हैं। तो इस प्ले का सीन फर्स्ट कहाँ शुरू होता है? बिशॉप हाउस में सीन फर्स्ट शुरू होता है, बिशॉप के घर में। नरेटर, इट्स द कोल्ड विंटर इवनिंग, बिशॉप अ काइंड ओल्ड मैन सिट इन अ चेयर रीडिंग, सडनली द डोर स्विंग ओपन एंड जीन वॉल्जिन एंटर द रूम। ही इज़ अ लार्ज मैन ऑफ अबाउट 45, कॉर्स एंड पोअली ड्रेस्ड विद अ वाइल्ड लुक इन हिज आइज। नरेटर कहता है कि विंटर थे, इट इज़ अ कोल्ड विंटर इवनिंग, विंटर का शाम था, बहुत ही ठंड था। बिशॉप जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, काइंड मीन बहुत ही अच्छा इंसान, सिट इन अ चेयर रीडिंग, वो चेयर पर बैठ कर कुछ पढ़ रहा था। सडनली द डोर स्विंग्स, अचानक जो है दरवाज़ा खुल जाता है, एंड जीन वॉल्जिन इंटर द रूम, और जीन वॉल्जिन जो है, जो क्रिमिनल होते हैं, वो दरवाजे के रूम के अंदर आ जाते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ अबाउट 45, तो उसका लुक, अपीरियंस, वो कैसा दिखता था? जीन वॉल्जिन जो है बहुत ही, ही इज़ अ मैन, लार्ज मैन, वो एक लंबा सा आदमी था ऑफ 45, और उसका साल था 45 अबाउट, वो दिखता चेहरे से उसके पता चलता था कि ही इज़ अबाउट 45 ईयर्स, एंड कोर्स, बहुत ही कोर्स मैन, रफ नेचर होते हैं जिनकी, जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनके नेचर जो है वो बहुत ही रफ़ होते हैं, गुस्से वाला, अजीब सा बर्ताव करते हैं। तो ऐसा दिखने वाला एक इंसान था, एंड पुअरली ड्रेस्ड, और उसने कपड़े भी फटे हुए पहने थे। बिशॉप लुकिंग एट हिम कामली, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू माई फ्रेंड। बिशॉप जो है, जब वो अंदर, जो जीन वर्जिन जो है वो रूम के अंदर आ जाता है, तो बिशॉप जो है वो उसे कामली देखते हैं, कामली मीन शान से उसे देखते हैं, और पूछते हैं कि कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? वॉल्जिन इन अ लाउड थ्रेटनिंग वॉइस, लुक हियर, माय नेम इज़ जीन वॉल्जिन, आई एम अ कन्विक्ट एंड आई वाज रिलीज 4 डे अगो। तो जीन वॉल्जिन क्या कहता है? इन अ लाउड, बहुत ही तेज़ आवाज़ में बात करता है, थ्रेटनिंग वॉइस में, बहुत ही डरावना, जैसे कि वो बिशॉप को डरा रहा हो, ऐसी आवाज़ में वो बात करते हुए कहता है, देखो, माय नेम इज़ जीन वॉल्जिन, मेरा नाम जीन वॉल्जिन है, आई एम अ कन्विक्ट, मैं क्रिमिनल हूँ, एंड आई वॉज रिलीज 4 डे अगो, और मैं बस चार दिन पहले ही जेल से छूटा हूँ। सिंस देन आई हैव वॉक्ड many miles, but I haven't found any food or shelter, no innkeeper would allow me to enter his inn. तो वो कहता है कि तब से मैं यहाँ से वहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे खाना नहीं मिल रहा है, और मुझे बैठने के लिए घर नहीं मिल रहा है। शेल्टर मीन रहने के लिए, घर को कहते हैं शेल्टर। नो इनकीपर वुड अलाउ मी टू इंटर हिज इन, ना मुझे होटल में लोग, मुझे इनकीपर्स जो है वो मुझे अलाउ कर रहा है, अंदर आने नहीं दे रहा है, वो मना कर रहे हैं। बिशॉप जो है वो कहता है, टेक अ सीट माई फ्रेंड, वार्म योर सेल्फ बिफोर द फायर। तो वो बिशॉप कहता है कि नीचे बैठ जाओ और
यहाँ पे फायर, वहाँ पे आग जला हुआ होता है, तो यहाँ पे बैठ जाओ और अपने आप को गर्म करो। वर्जिन, आई एम कोल्ड, आई एम स्टर्विंग, गिव मी सम फूड। स्टर्विंग, स्टर्विंग कहते हैं हम भूख को, मुझे बहुत ठंड भी लग रहा है और मुझे भूख भी लग रहा है, प्लीज़ मुझे खाने के लिए कुछ दो। बिशप कॉलिंग टू समवन इन द अदर रूम, बिशप दूसरे कमरे में किसी को बुलाती है। सिस्टर, कैन यू प्लीज़ कम हियर, वो अपनी बहन को बुलाती है और कहते हैं क्या तुम यहाँ आ सकती हो। द बिशप सिस्टर इंटर, और बिशप की बहन जो है वो अंदर आ जाता है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, कल हम नेक्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे।